गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हमने जो है 9th लेसन के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू जो है क्लियर किए थे, लर्न किए होंगे आपने, तो आज जो है मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, समझा रही हूँ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमोसफेयर। आपने एटमोसफेयर के कॉम्पोजिशन को डिस्क्राइब करना है, किससे मिलकर बना है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है। द एटमोसफेयर इज़ कम्पोज ऑफ आ नंबर ऑफ गैसेज, जैसे कि हमने रीडिंग में भी ये अच्छे से क्लियर किया था कि जो एटमोसफेयर है उसमें काफ़ी सारी गैसेज जो हैं वो कम्पोज में शामिल होती हैं। वाटर वेपर होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू मेन गैसेज विच फॉर्म ओवर 99%। जैसे कि नाइट्रोजन की हमने जो परसेंटेज देखी थी 78.08% थी, सबसे ज़्यादा परसेंटेज के साथ नाइट्रोजन जो है वो फर्स्ट नंबर पर रहता है। आफ्टर दैट ऑक्सीजन जो है। ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटमोसफेयर द अदर गैसेज आर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्योन, हेलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, मैथेन एट्सेट्रा। द फॉलोइंग टेबल गिव्स परसेंटेज ऑफ मेजर गैसेज इन द एटमोसफेयर। पहले भी हमने वो टेबल जो है रीड की थी, उस टेबल को अच्छे से देखा था कि किस गैस की कितनी परसेंटेज है। जैसे कि आपको ये टेबल दी हुई है, कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमोसफेयर कॉम्पोनेंट, नाइट्रोजन 78.08, ऑक्सीजन 20.95, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, न्योन 0.002। इट मींस ये जो है इन गैसेस की परसेंटेज है। तो आपने इस टेबल को अच्छे से लर्न करना है, इनकी परसेंटेज को लर्न करना है, इनके नेम को लर्न करना है। वाटर वेपर सेकेंड जो गैसेज के बाद हम जिसकी बात कर रहे हैं, एटमोसफेयर में जो प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ वाटर वेपर। वाटर वेपर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द एटमोसफेयर। द एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज़ नियरली 2% ऑफ द एटमोसफेयर बाय वॉल्यूम। इसका जो एवरेज अमाउंट इसमें प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ 2%। इट मे वेरी फ्रॉम 4% इन द वॉर्म एंड वेट ट्रॉपिक्स टू लेस देन 1% इन ड्राई एंड कोल्ड एरियाज ऑफ डेजर्ट्स एंड द पोलर रीजन्स। इट मीन्स ये जो है कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट चेंजेस इसमें आते रहते हैं। 4% जो है ये चेंज हो जाता है या फिर कम हो जाता है 1% तक। आफ्टर दैट इवन द ड्राइएस्ट एयर हैज़ सम प्रपोर्शन ऑफ वाटर वेपर। जो सूखी हवा होती है उसमें भी प्रेजेंट रहता है क्या, कुछ प्रपोर्शन वाटर वेपर का। आफ्टर दैट डस्ट पार्टिकल्स कंप्राइज द थर्ड मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द एटमोसफेयर। दे आर डिराइव फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड इंक्लूड डस्ट पार्टिकल्स। में हमने एमसीक्यूज में भी रीड किया था, डस्ट पार्टिकल्स में ये सब चीज़ें जो हैं इंक्लूड होती हैं, सी सॉल्ट, फाइन सॉल्ट, स्मोक सूट, ऐश, पोलन, डस्ट एंड डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स। क्लियर? सो यू हैव टू रीड दिस फर्स्ट क्वेश्चन एंड लर्न ऑल्सो। आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ अ सूटेबल डायग्राम फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफेयर एंड लेबल इट एंड डिस्क्राइब इट। आपने जो है डायग्राम ड्रॉ करना है एटमोसफेयर का, इनकी जितनी भी लेयर्स, मैंने आपको रीडिंग के टाइम भी ये डायग्राम बताया था कि आपने इसे लर्न करना है अकॉर्डिंग टू लेयर्स। लेयर्स में सबसे पहले जो है ट्रोपोस्फेयर है, जिसे ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफेयर, द एटमोसफेयर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ एयर फ्रॉम बॉटम टू इट्स हाईएस्ट लिमिट। मतलब बॉटम से हाईएस्ट लिमिट तक काफ़ी सारी इसमें लेयर्स हैं, जिसमें टेम्परेचर बताया गया है, हाइट के अकॉर्डिंग उनमें कैसे जो है टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है, वो सब बताया गया है। सबसे पहले हम रीड करेंगे ट्रोपोस्फेयर के बारे में। दिस इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, सबसे निचली जो लेयर है, जो परत है, वो है ट्रोपोस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज 16 किलोमीटर। इसकी जो हाइट है वो 16 किलोमीटर है। ऑल्दो इट इज़ ओनली 10 किलोमीटर एट द पोल्स एंड एक्सटेंड्स अप टू 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। ये पोल्स पर जो है इसकी हाइट रहती है 10 किलोमीटर और उसके बाद इक्वेटर पर ये जो है बढ़ जाता है 18 किलोमीटर। आफ्टर द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट इन दिस लेयर। जैसे जैसे हाइट जो है इंक्रीज होती है, उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, रफली एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 165 मीटर्स ऑफ एक्सेंट। दिस इज़ नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। मतलब जो इसके टेम्परेचर के डिक्रीज होने का रेट है उसको नॉर्मल लैप्स रेट बोला जाता है। सेकेंड जो है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। जैसे कि डायग्राम में आपको शो किया गया है, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर जो सेकेंड लेयर है उसके बारे में हम रीड करेंगे। इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ये देखो यहाँ पर आपको जो सेकेंड लेयर बताई गई है, इसमें ये कितनी बढ़ रही है, कितनी फैल रही है, 50 किलोमीटर की हाइट तक।
जो है ये फैली हुई है, बढ़ी हुई है. इट इज़ थिकर एट द पोल्स, ये पोल्स पर जो है थिक होती है देन एट द इक्वेटर. किसके कंपैरिजन में? इक्वेटर के कंपैरिजन में. द टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट इन इट्स लोअर पोर्शन अप टू अ हाइट ऑफ 20 किलोमीटर. मतलब जो इसका टेम्परेचर है वो क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है. कितनी हाइट तक? 20 किलोमीटर की हाइट तक. कॉन्सिक्वेंटली इट इज़ नोन एज स्ट्रेटोस्फीयर, इसलिए बोला जाता है इसे स्ट्रेटोस्फीयर. आफ्टर दैट मेसोस्फीयर. यू कैन सी दिस डायग्राम, थर्ड लेयर जो है वो क्या है? मेसोस्फीयर. सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर. मेसोस्फीयर में हम रीड करेंगे, इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 to 90 किलोमीटर. ये क्या करती है? स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर होती है ये लेयर, और इस ये कितनी बढ़ती है? 50 to 90 किलोमीटर तक. ओके, उसके बाद है हेट्रोस्फीयर. देखो, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर. इनमें जितनी भी लेयर्स हैं, आपने इन लेयर्स की हाइट, टेम्परेचर कितनी इंक्रीज़ हो रही है, कितनी डिक्रीज़ हो रही है, वो सब देखना है और उसे क्लियर करना है. अब इसमें हम रीड करेंगे हेट्रोस्फीयर के बारे में. हेट्रोस्फीयर एक्सटेंड्स अबव द होमोस्फीयर, दैट इज़ अबव द लेवल ऑफ मेसोस्फीयर, एंड इट हैज़ हेट्रोजीनियस केमिकल कॉम्पोजिशन विद लेयर स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम एंड हाइड्रोजन. ये सब इन सब जो आपको बोला गया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम एंड हाइड्रोजन, इन सब का कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन. ओके, उसके बाद है इनोस्फीयर. इनोस्फीयर में क्या होता है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 100 किलोमीटर to 400 किलोमीटर एंड लाइज अबव मेसोस्फीयर. मेसोस्फीयर से ऊपर ये जो है लाई करती है. इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स. इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं विच आर नोन एज आयन्स, जिन्हें किन नेम से जाना जाता है? आयन्स के नेम से जाना जाता है. हैंस दिस लेयर इज कॉल्ड आयनोस्फीयर, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? आयनोस्फीयर बोला जाता है. आयनोस्फीयर क्यों बोला जाता है? इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है आयन्स, और इन्हें इसलिए आयनोस्फीयर बोला जाता है. लास्ट वन इज एक्सोस्फीयर, जैसे कि इसमें शो किया गया है एक्सोस्फीयर. एक्सोस्फीयर में हम रीड करेंगे द अपर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर की लेयर है ये, है ना, यहाँ पर डायग्राम में सबसे ऊपर की जो है, द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द इनोस्फेयर. इनोस्फेयर से ऊपर होती है, अबव अ हाइट ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर इज नोन एज द एक्सोस्फेयर. और कितनी हाइट पर होती है ये? 400 किलोमीटर की हाइट पर. ओके, इसे बोला जाता है एक्सोस्फेयर. जितनी भी लेयर्स यहाँ पर हैं, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर, इनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इनके बारे में आपको रीड करना है और इसे अच्छे से लर्न करना है. दिस टू क्वेश्चंस, ओनली टू क्वेश्चंस यू हैव टू लर्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमोसफेयर एंड सेकेंड ड्रॉ अ सूटेबल डायग्राम फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफेयर एंड लेबल इट एंड डिस्क्राइब इट. ये आप पहले भी कर चुके हो, इसकी रिविजन हम फिर से कर रहे हैं, तो जितने भी आपके डाउट्स हैं आप टाइमली इसे क्लियर करते रहो, आपके लिए बेनिफिट रहेगा. ओके, ओके बेटा, हैव अ नाइस डे.